नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी स्नैपचैट पर खींचा हुआ फ़ोटो को गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि स्नैपचैट से खींचा हुआ फ़ोटो गैलरी में कैसे ला सकते हैं? तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पे आने के बाद स्नैपचैट से खींचा हुआ फ़ोटो को गैलरी में सेव करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में स्नैपचैट को ओपन करना है। तो चलिए स्नैपचैट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपका कैमरा है वह फ्रंट कैमरा ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके इसको हम बैक कैमरा में कन्वर्ट किए हुए हैं, चेंज किए हुए हैं। तो आप इस पर भी क्लिक करके आप भी अपने बैक कैमरा में इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस फोटो में कोई भी आपको फिल्टर यूज करना है, तो फिल्टर यूज करने के लिए यहाँ पर एक आपको इमोजी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी फिल्टर को यूज करना है, सिंपल आपको उस फिल्टर पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जिस भी फिल्टर की यूज करना है उसको आपको सेट कर लेना है। उसके बाद अब आपको फ़ोटो को कैप्चर करना है, खींचना है। तो चलिए यहाँ पर हम इस फ़ोटो को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ़ोटो है इसको हम खींच लिए हैं, कैप्चर कर लिए हैं। अब इस फ़ोटो को गैलरी में सेव करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे में एक यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका फ़ोटो है सेव्ड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको स्नैपचैट को कट कर देना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में गैलरी को ओपन करना है। तो चलिए हम अपने फ़ोन में गैलरी को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एल्बम्स पे जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नैपचैट के नाम से यहाँ पर एक फाइल बन गया है, फोल्डर बन गया है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम जो भी फ़ोटो खींचे हैं यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो को यहाँ पर हम डाउनलोड किए थे, सेव किए थे, तो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। तो इस तरह से आप स्नैपचैट पर खींचा हुआ फ़ोटो को गैलरी में सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।